पूरे 2 साल होने वाले हैं, सरकार ने आज पूरी पाबंदियां हटाई है, आज बच्चे आप देख सकते हैं जो आज स्कूल आए हैं बहुत खुश हैं, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं बच्चों को छोड़ के। घर पे बैठे बच्चे चिड़चिड़े हो चुके थे, अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि करना क्या है, अब बच्चे आके खुश हैं, आज बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से मिल रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है ये पाबंदी हटाने का। सर ये बहुत बढ़िया हुआ है, हमें तो बहुत खुशी है कि कोविड से छुटकारा मिला है। जैसे साल 2 साल से लास्ट ईयर से भी ये चल रहा था कि कोविड के कारण काफ़ी हर इंसान को जो है उसमें वो है कि महंगाई की, एक तो महंगाई की मार पड़ी है, एक कोविड की मार पड़ी है। बट अब कल हमें जैसे ही आपकी न्यूज़ मिली तो हमें ये पता चला कि, और बहुत खुशी हुई कि चलो शुक्र है इससे पीछा छूटा है। सर बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अभी सीज़न जो है, अभी गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हुआ है और इसी सीज़न के ऊपर सब डीलर को डिपेंड करता है। हर दुकानदार को, अगर मौसम खुलेगा तो कस्टमर की मूवमेंट होगी, तो कस्टमर शोरूम पर आएगा या कहीं भी आएगा मार्केट में, तो तभी इससे कुछ ना कुछ होगा कि आपका कि मार्केट चलेगी। सरकार का डिसीजन बिल्कुल सही मानते हैं कि स्कूल तो अब आगे खुलने ही चाहिए थे, क्योंकि आगे बच्चों का भविष्य देखना है। और जैसे ही अब जैसे कोविड के केसेस बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, तो साथ साथ जो है स्कूल खोलना भी ज़रूरी था। काफ़ी समय से जो बच्चे हैं वो घर पे थे, आज इनका फर्स्ट डे था स्कूल में, तो इसके लिए तो मैं थैंक्स बोलूँगा कि स्कूल चालू हो गए हैं और ये बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ को दोबारा चालू कर जाएंगे। काफ़ी समय से ये घर पर थे बस। वो तो बाद में नहीं है। बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, भविष्य फ्यूचर के लिए सरकार को स्कूल खोलने चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। बच्चों के लिए स्कूल, अब कोविड के केसेस बहुत कम है, अब बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहिए। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे 24